नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा आप सभी लोग पूछ रहे थे सर, वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कई लोग, कई यूट्यूब में बच्चे सर्च किए, उनसे बोला गया तो हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर जो जिनका एडमिट कार्ड मतलब जो पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे बस वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, कई जगह पर ये बताया जा रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब मैं देने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी अभी आप देख रहे हैं कि UP SSC जो है आयोग इलेक्शन के बाद बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपका उस दिन नोटिफिकेशन दिया एक नए आपके पोस्ट के लिए, जो आपके 1 SI का जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपका आ गया, आज आपका रिजल्ट आ गया है लोअर मेंस का, तो एकदम तेज़ी है इसमें। और जो री एग्ज़ाम है वो तो पहले हुआ क्योंकि 23 मार्च को ही ये इसका डेट पड़ा हुआ था, तो बहुत इसमें कोशिश करेंगे इसको टालेंगे, तो आपका अप्रैल लास्ट तक ये कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहली बात कि जितने लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन पता चले कि कौन कौन बच्चा इसका एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में सिर्फ वही एग्जाम देंगे, नहीं, यहां पर किसी कारणवश अगर आपने एग्जाम नहीं दिया होगा, आपका एडमिट कार्ड आया था उस समय भी, जैसे क्योंकि उसी समय शायद ASI का भी एग्जाम चल रहा था, ठीक है, 2018 में ASI जो हुआ था 17 वाला उसी समय था, दोनों एक ही डेट में पढ़ा रहे, तो कुछ बच्चे स्किप कर गए थे इस एग्जाम को, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो दे सकते हैं, उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ अपीयर हुआ था मतलब एग्जाम में जो लोग अपीयर हुए थे वही देंगे, नहीं, जितने लोग फॉर्म फिल किए थे सबका दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद से टीम द्वारा इसका री एग्जाम के लिए कोर्स भी चलाया जा रहा है जिसमें आपका रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और अभी ये ऑफर प्राइस में 1000 का बैच था 399 रखा गया और क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है, बाकी मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आप लोग परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां वीडियो री एग्जाम के नाम से कोर्स होगा, वहां पे जाओगे ऑनलाइन परचेस करोगे, आपका कोर्स आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर जो है आपका संस्था का 9450006007 और 9129769070 पर व्हाट्सएप या कॉल से माध्यम से आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। और कुछ एक क्वेश्चन और था SSSC के बारे में कि सर क्या SSSC हमने उस टाइम नहीं किया था, अभी हमारे पास SSSC है क्या वैलिड होंगे। देखिए आयोग के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसके नोटिफिकेशन के पहले का होना चाहिए, तो ये 18 में जब नोटिफिकेशन था उस समय का अगर SSSC होगा तभी आप वैलिड माने जाओगे, अभी आपके पास कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि उस समय SSSC जो था वहां पे नोटिफिकेशन आप जब देखोगे तो वहां कहीं भी SSSC के समकक्ष नहीं लिखा है, ये वैकेंसी जो थी वो 10+2 के इक्वेलेंट थी, मतलब उसमें 12 के या 12 के समकक्ष अगर आपने कोई अहर्ता है तो आप भर सकते थे। तो SSSC जहां लिखा था ना सेकेंड नंबर पॉइंट पे वहां पे समकक्ष नहीं लिखा था, तो 2018 में समकक्ष जैसी कोई चीज नहीं थी इसके पास, ठीक है। तो अगर आप BTEC किए हो चाहे BCA किए हो और वीडियो का फॉर्म भरे हो और SSSC नहीं था उस समय आपके पास, तभी भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DV में बाहर कर देगा आयोग, क्योंकि जैसा उसमें लिखा रहता है नोटिफिकेशन में वैसे चलता, अगर समकक्ष लिखा होता हो सकता है कंसिडर करता। लेकिन मेरा यही लास्ट में कहना है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो एग्जाम देने में क्या जाता है, ठीक है, जाओ दो, हो सकता है कि कुछ कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि उसी के बाद से ही SSSC के इक्विवेलेंट जो है आयोग में चलने लगा था कि BTEC हुआ BCA हुआ जो भी एक मतलब एक साल तक कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वो SSSC के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। तो चांसेस ये भी है, मैं बोल रहा हूं कि 80% चांस है कि आपको DV से बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास SSSC नहीं है, तो 20% में आप खेल सकते हो अपने दम पे कि हाँ हो सकता है कि आपको ले लिया जाए, ठीक। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे इसके आंसर हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है कोई संशय है तो भैया आप इस वीडियो के कमेंट में अपने क्वेश्चन जो है जरूर डालिए, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके जो भी सॉल्यूशन हो उसको दिया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद।